नमस्कार दोस्तों, स्टडी विला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 3 अगस्त 2017 का करंट अफेयर ऑफ द हिंदू लेके प्रस्तुत हूँ आपके सामने। ठीक है, यहाँ पे द हिंदू से करंट अफेयर जो दिए हुए हैं उनसे मैं क्वेश्चन आंसर बनाऊंगा। ठीक है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। देखिए क्या होता है कि पढ़ाई के क्रम में बहुत चीज़ें छूट जाती है। जैसे मान लीजिए आज का न्यूज़ में दिया हुआ था बुक्सा टाइगर रिजर्व के, तो देखिए जब तो बुक्सा टाइगर रिजर्व दिया हुआ था, उन सब चीज़ों को रिलेट करना सीखिए। जैसे बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, किस स्टेट में लाई करता है, उसका बॉर्डर किसके किसके साथ है, दो कंट्री के बीच में तो नहीं शेयर हो रहा है। अगर वहाँ पे टाइगर है तो वो चीज़ों के बारे में जानिए। टाइगर प्रोजेक्ट क्या था, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में जानिए। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को जब लिंक कीजिएगा ना तो ज़्यादा पढ़ने मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। देखिए मेरा पहला क्वेश्चन उसी पे है। ठीक है, चलिए आता हूँ पहला क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, टाइगर इज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज अंडर IUCN रेड लिस्ट, एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2006 लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। तो देखिए आपको सबसे पहले IUCN रेड लिस्ट होता है क्या है वो जानने की जरूरत है, और दूसरा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या होता है वो जानने की जरूरत है। तो ये चीजें जब तक नहीं जानी आएगा तो क्वेश्चन थोड़ी ना सॉल्व होगा। तो ये देखिए, तो यही सब चीजें छोटी छोटी जो चीज हैं उनको याद कराने का तरीका कैसे है। देखिए चलिए आता हूँ। देखिए टाइगर किस क्लास से बिलोंग करता है, वो है पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है, इसके टोटल 11 सब स्पीसीज थे जिसमें कि 8 बचे हैं और 3 एक्सटिंक्ट हो गए हैं। अब देखिए IUCN रेड लिस्ट होता क्या है। ठीक है, ये कब बना था, 1964 में। ये किसके अंडर आता है, IUCN के अंडर आता है, विच स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, समझ रहे हैं ये किसके अंडर आता है। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखिएगा। और ये इसका काम क्या है, गिव ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। देखिए बायोलॉजिकल स्पीसीज कहने का मतलब, मान लीजिए टाइगर है वो किस कैटेगरी में आता है। देखिए यहाँ पे क्या है, 7 कैटेगरी दिया हुआ है। देखिए पहला कैटेगरी क्या है, लीस्ट कंसर्न। ठीक, दूसरा कैटेगरी है नियरली थ्रेटेंड। थर्ड कैटेगरी इज वर्नरेबल। फोर्थ इज एंडेंजर, क्रिटिकली एंडेंजर, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, एंड लास्ट वन इज एक्सटिंक्ट। तो देखिए इस तरह के कैटेगरी में यूनियन रेड लिस्ट किसी भी जानवर या प्लांट को डिवाइड करता है। ठीक है, अब देखिए चलिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी होता क्या है मैं उसके बारे में थोड़ा बता दूं। तो देखिए वो क्या होता है, वो 2005 में बना था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टाइगर टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द PM ऑफ इंडिया। ठीक है, समझ रहे हैं इन सब बातों को। एंड इट्स बिकम ए स्टैचुटरी बॉडी आफ्टर द कमिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट 2006। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन होते हैं, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट। और हमारे देश में कितना टाइगर है, वह है 2226। इसका काम क्या होता है, मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ स्टेट के द्वारा, ठीक है, तो उन सब चीज़ों को देखना, फिर टाइगर का पॉपुलेशन कितना है उस पे ध्यान देना, टाइगर का कंजर्वेशन पे ध्यान देना। ठीक है, और तीसरा काम है क्रिएशन ऑफ स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। जैसे एक कर्नाटका में एक इस तरह का स्पेशल टास्क प्रोटेक्शन फोर्स बना हुआ है टाइगर कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, टाइगर इज एन एंडेंजर स्पीसीज अंडर IUCN रेड लिस्ट। तो ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट 2006 लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इट इज ऑल्सो ट्रू। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द न्यू US एम्बेसडर टू इंडिया। देखिए ये क्वेश्चन पूछने का एक रीजन है, देखिए जब अगर हमारे देश के जो भी हैं गवर्नमेंट टॉप गवर्नमेंट ऑफिसर किसी दूसरे कंट्री में प्लेस्ड होते हैं, जैसे मान लीजिए UK में प्लेस्ड होते हैं तो वहाँ पे हम हाई कमिश्नर कहते हैं। ठीक है, अगर वही USA में प्लेस्ड होते हैं तो उनको हम एम्बेसडर कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों, तो देखिए इसका रीजन है, मैं बताता हूँ वो रीजन। देखिए रीजन क्या है, अगर कोई गवर्नमेंट टॉप गवर्नमेंट ऑफिसियल अगर कोई कॉमनवेल्थ कंट्री में अगर प्लेस्ड हुए हैं, ठीक है, तो उनको हम हाई कमिश्नर बोलते हैं।
अगर वो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री में गए तो उनको हम एम्बेसडर बोलते हैं। जैसे यूएसए में गए तो वो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री था क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिश का शासन नहीं था। और टोटल नंबर ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज कितना है? 52। ठीक है, तो इसका सही जवाब है केनिथ आई जस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द रैंसम वेयर विच अटैक द कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड रिसेंटली। अभी देखिए कुछ दिनों पहले ही एक वनाक्राई नाम का रैंसम वेयर अटैक किया था पूरे देश में, यूक्रेन, रसिया, चाइना, इंडिया में भी इसका अटैक हुआ था। और उससे पहले एक पेटिया नाम का एक रैंसम वेयर अटैक किया था। अभी एक नया तरह का रैंसम वेयर अटैक कर रहा हो, वो क्या है उसका नाम मैंने यहाँ पे पूछा। तो मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि रैंसम वेयर होता क्या है, ठीक है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए रैंसम वेयर एक तरह का जैसे वायरस होता है, ठीक है, तो वो रैंसम वेयर एक तरह का मेलेशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर को लॉक कर देता है। तो देखिए ये जो नया तरह का रैंसम वेयर है वो 23 मिलियन मैसेज अभी तक भेज चुका है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू इंडियन ऑफिशियल द सिवियरिटी ऑफ दिस रैंसम वेयर इज हाई, ठीक है। मैसेज कॉन्टेंट कॉमन सब्जेक्ट लाइक इमेजेस, फोटोज, डॉक्यूमेंट। देखिए कभी कभी क्या होता है कि देखिएगा कभी कभी स्पैम मैसेज आता है तो उसमें इमेज रहता है, क्लिक टू इमेज, वो क्या करता है कि आपके सिस्टम को पूरी तरह से लॉक कर देता है और उसके एवज में आपसे पैसा मांगता है। जैसे कि यहाँ पे कितना मांगा है, 0.5 बिटकॉइन। तो बिटकॉइन क्या है? क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, और वो एक तरह से वर्चुअल वर्चुअल पैसा मान लीजिए उसको। जैसे कि मान लीजिए ऑनलाइन किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन भेजा और कौन लिया, ठीक है। और 0.5 बिटकॉइन 1.5 लाख के बराबर होता है, सोच लीजिए इसका वैल्यू कितना है, मतलब कि 1 बिटकॉइन 3 लाख के बराबर होगा। देखिए अगर इंडिया में इस तरह के अटैक होते हैं तो कोई कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो होंगे जो इन सब चीज़ों पर चेक करें, तो हाँ, तो एक डिपार्टमेंट है जो इन सब चीज़ों पर चेक करते हैं, वो है सर्ट इन मीन्स कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ये एक नोडल एजेंसी है जो कि डील करता है साइबर सिक्योरिटी जैसे कि हैकिंग एंड फिशिंग। और ये कब बना था? 2004 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। तो देखिए चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ क्वेश्चन, तो देखिए नेम द रैंसम वेयर विच अटैक द कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड रिसेंटली। तो इसका सही जवाब है लॉकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये आर्ट और कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कभी यूपीएससी लोग क्या मन किया कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ओनम इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ अकॉर्डिंग टू मलयालम कैलेंडर, ठीक है। तो देखिए मलयालम कैलेंडर में आपको तो याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन याद कर लीजिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जैसे बिहू, बैसाखी, ओनम। तो ओनम हम केरला में सेलिब्रेट होता है किस मंथ में? चिंगम, जो कि अगस्त और सितंबर मंथ को कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर इन केरला, ओनम इज द न्यू ईयर फॉर मलयाली हिंदूज। जैसे बैसाखी पंजाबी लोगों के लिए नया साल होता है, हिंदूज लोगों नॉर्थ इंडिया में, बिहू असम में, तो समझ गए। तो ओनम इसी तरह केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच रिवर पंचेश्वर डैम इज फाइनलाइज, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा इसका ज्योग्राफी के बारे में। तो देखिए ये किस पे बन रहा है? शारदा रिवर। शारदा रिवर को महाकाली रिवर कहा जाता है नेपाल में और काली गंगा कहा जाता है उत्तराखंड और इंडिया में, ठीक है। इसका सोर्स कहाँ है? काला पानी उत्तराखंड, जो कि जमीन से 3600 मीटर एबव है। ये घाघरा को ज्वाइन करता है जो कि ट्रिब्यूटरी है गंगा का, ठीक है। और ये दो देश के बीच में बन रहा है, इंडिया और नेपाल के बीच में। और इससे टोटल प्रोडक्शन कितना होगा? 6720 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस्ड। और डैम का हाइट कितना है? 315 मीटर, ठीक है। तो देखिए ये सब कुछ कुछ चीज़ें याद करके रखिएगा। तो इसका सही जवाब है शारदा। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड इज सिचुएटेड। देखिए क्वेश्चन पूछने का रीजन क्यों है, क्योंकि
सितंबर 2 जो कि कल था, वो वर्ल्ड कोकोनट डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइड, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो देखिए इसका मैं कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में कुछ बता दूँ, ये 1981 में बना था और एक स्टैचुटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आती है, ठीक है। और वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेटेड ऑन 2 सितंबर एवरी ईयर, मैं आपको बताया कुछ देर पहले ये 2 सितंबर को मनाया जाता है। और तमिलनाडु जो है सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोकोनट का। देखिए इस तरह के क्वेश्चन नाबार्ड और SBI IBPS में पूछे जा सकते हैं, RRB के एग्जाम में भी, ठीक है। देखिए स्टैचुटरी बॉडी कहने का मतलब है संवैधानिक, जो कि पार्लियामेंट में लॉ पास करके बनाया गया है, समझ रहे हैं। तो इसका सही आंसर है कोची ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैं आपके पेपर से ही लिया हूं, साइगोन इज द एंशिएंट नेम ऑफ विच मॉडर्न सिटी, ठीक है। तो देखिए यहां पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और यही सब चीज यूपीएससी वालों के बहुत फेवरेट होता है, इन सब छोटे जो चीजें छूट जाती हैं उन्हीं पे तो वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए साइगोन है कहाँ, तो साइगोन वाज द हेडक्वार्टर ऑफ US मिलिट्री ऑपरेशन, ठीक है, इन वियतनाम। इन 1975 साइगोन वाज रीनेम्ड एज हो ची मी सिटी, और हो ची मी इज द फर्स्ट लीडर ऑफ नॉर्थ वियतनाम। देखिए हुआ क्या था कि 1960s के आसपास में वियतनाम जो है 2 पार्ट में डिवाइड था, एक नॉर्थ वियतनाम एक साउथ वियतनाम, ठीक है। तो दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी, गृह युद्ध छिड़ गया था। तो ये जो नॉर्थ वियतनाम है उसने साइगोन को कैप्चर कर लिया और उसका नाम चेंज करके हो ची मी सिटी रख दिया, और हो ची मी नॉर्थ वियतनाम के पहले लीडर थे, ठीक है, उनके सम्मान में ये नाम रखा गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी के बहुत ही फेवरेट होते हैं, तो नाम याद रखिएगा। और किस रिवर में सिचुएट है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हिकारी कीकन। देखिए ये भी आज के न्यूज़पेपर से ही लिया हूँ, कहीं पे दिया हुआ था, किसी राइटर ने लिखा था तो मैं वहीं से लिया हूँ। तो देखिए इसको याद कर लीजिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी एक ऑर्गेनाइजेशन था कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन जापानीज गवर्नमेंट एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेडेड बाई सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। 1945 का बात है ये, अभी का नहीं है हिकारी कीकन, ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, प्लीज़ लाइक आवर चैनल स्टडी विला एंड ऑल्सो लाइक आवर फेसबुक पेज स्टडी विला, थैंक यू।